जोमैटो के शेयरों का भाव 300 रुपये के ऊपर जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्रोकरेज फर्म UBS ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में जोमैटो को नया टारगेट प्राइस दिया है। UBS को जोमैटो के जून तिमाही के नतीजे इतने पसंद आए कि उसके बाद उसने इस स्टॉक को लेकर अपनी राय बदल दी है और इसे खरीदने की सलाह दी है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जोमैटो के तिमाही नतीजों की बात कर लेते हैं। कंपनी ने जून तिमाही में अपने निवेशकों को जोरदार सरप्राइज दिया। कंपनी का मुनाफा जून तिमाही में करीब 126.5% बढ़कर 253 करोड़ रुपये रहा, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। इसके अलावा जोमैटो का रेवेन्यू भी करीब 74% बढ़ के 4,206 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ये सब तब हुआ जब कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की और ब्लिंकिट के क्विक कॉमर्स से अपनी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाया है। अब बात करते हैं UBS की। UBS सिक्योरिटीज़ को जोमैटो के तिमाही नतीजे इतने पसंद है कि उसने इस स्टॉक को लेकर अपने टारगेट प्राइस को करीब 31% बढ़ा के 320 रुपये कर दिया है। इससे पहले उसने जोमैटो के शेयर का टारगेट प्राइस 244 रुपये तय किया था। 320 रुपये के नए टारगेट प्राइस का मतलब है कि UBS को जोमैटो के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 22% की तेजी आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के बाद आज 19 अगस्त को इंट्राडे के दौरान जोमैटो के शेयर 4% तक उछल गए थे। हालांकि फिर बाद में इसमें मुनाफा वसूली हुई, जिसके चलते यह कारोबार के अंत में लाल निशान में बंद हुआ। जोमैटो एक मल्टीवेगा शेयर है जिसने इस साल अब तक अपने निवेशकों को करीब 111% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले एक साल में तो इसके शेयरों का भाव लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। जोमैटो के शेयरों में तेजी के पीछे इसके क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट का भी काफ़ी अहम योगदान है। एक दिन पहले ही रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई। ब्लिंकिट के CEO अलविंदर ढिंडसा ने बताया कि पीक समय में उसके प्लेटफॉर्म से प्रति मिनट 693 राखी ऑर्डर किए गए। UBS ने जोमैटो की क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस दोनों के ग्रोथ की तारीफ की है, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा रहे हैं। साथ ही UBS ने जोमैटो के ग्रास मर्चेंडाइज वैल्यू में वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान 20-30% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। वहीं फूड डिलीवरी के मामले में भी उसने 2-3% की ग्रोथ की उम्मीद जताई है। जोमैटो की बढ़ती पॉपुलरिटी और साउथ इंडिया में मार्केट हिस्सेदारी बढ़ने से कंपनी को अपनी ग्रोथ बढ़ाने में मदद मिल रही है। अब मॉर्गन स्टैनली की बात कर लेते हैं। उसने जोमैटो के स्टॉक को ओवरवेट की रेटिंग दी है और इसके लिए 278 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने क्विक कॉमर्स सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए कुछ चिंताएं भी जताई हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि बढ़ते कंपटीशन के चलते कंपनी को अपने इस सेगमेंट में मुनाफे तक पहुंचने में थोड़ा और समय लग सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स को लेके आपको जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं, वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेके कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।